साल 2022 खत्म होने को है। इस साल की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि साल 2022 शनिवार के साथ शुरू हुआ था और शनिवार के साथ ही खत्म हो रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि इस साल 1 जनवरी को भी शनिवार था और इस साल 31 दिसंबर को भी शनिवार ही रहेगा। अब जब साल खत्म होने जा रहा है तो कुछ तारीखें आप नोट करें ताकि अपने शुभ कार्य आप इन्हीं दिनों के अंदर निपटा लें, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो जाएंगे जिसमें अमूमन शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस महीने की 16 तारीख तक ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद मलमास शुरू होगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा और 15 जनवरी तक यही रहेगा। 15 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद एक बार फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे क्योंकि उनका शुभ मुहूर्त आ जाएगा। अब अगर 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते ही मलमास शुरू हो जाएगा और विवाह, मुंडन जैसे शुभ काम नहीं हो सकेंगे, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? ज्योतिषाचार्य की माने तो इन दिनों यानी कि मल मास के दौरान लोगों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दिसंबर में ठंड रहती है, इस वजह से इस समय ऊनी कपड़ों का दान अच्छा माना जाता है। मल मास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, पवित्र नदियों में भी स्नान करना चाहिए। अब आपको दिसंबर की उन तारीखों की बात बताते हैं जिसमें शुभ योग बन रहे हैं। दिसंबर की 4, 6, 11, 12, 13, 21, 25, 26 और 30 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। 21 और 30 तारीख को अमृत सिद्धि योग रहेगा। 20 और 25 दिसंबर को त्रिपुष्कर योग है, जबकि रवि पुष्य नक्षत्र 11 तारीख है। इन शुभ योगों में आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं विवाह के लिए दिसंबर में 4, 7, 9, 13 और 15 तारीख को शुभ माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।